Hello everyone, welcome to my YouTube channel AH Helpline. Please do subscribe my channel for more updates on IGNOU and all related exam and all the upcoming events and everything, all the tech news and everything. Please do subscribe my channel AH Helpline. Now coming to the point, today I'm going to tell you about how to calculate IGNOU grade card percentage in a very simplest way. IGNOU में grade card का परसेंटेज है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका मैं सबसे सिंपलेस्ट भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद से आपको कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखते जाइए, मैं आपको पूरा कंप्लीट वे में बताऊंगा कि कैसे इग्नू का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ, आपको एक ग्रेड कार्ड से ही डायरेक्ट सिंपलेस्ट आपको एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये है इग्नू का एक ग्रेड कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आप मार्क्स देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे मार्क्स दिए हुए हैं, असाइनमेंट के मार्क्स दिए हुए हैं और टर्म एंड थ्योरी के मार्क्स दिए हुए हैं और उसका स्टेटस दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा। पहली बात की असाइनमेंट देखिए, यहाँ पे ग्रेड कार्ड में क्या क्या होता है, असाइनमेंट, टर्म एंड थ्योरी और उनका स्टेटस। सबसे पहले स्टेटस नॉट कम्प्लीटेड कब रहता है और कम्प्लीटेड कब रहता है। आपको असाइनमेंट में मिनिमम मार्क्स लाना होगा 35, तब आपका असाइनमेंट क्लियर होगा। ठीक है, मिनिमम मार्क्स है 35, तब आपका असाइनमेंट क्लियर होगा। और टर्म एंड थ्योरी में आपका यहाँ पे जो मार्क्स दिया हुआ है वहाँ पे मिनिमम 36 होना चाहिए, तब आपका टर्म एंड थ्योरी क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे टर्म एंड थ्योरी में जो भी मार्क्स दिए रहते हैं वो देखिए, आपका जो मार्क्स आते हैं एग्जाम में वो नहीं दिया रहता है, ये इसको 100 में कैलकुलेट करके दिया जाता है टर्म एंड थ्योरी का एग्जाम। उसका मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टर्म एंड थ्योरी एम के यानी कि मार्केटिंग में आया है 60 मार्क्स आया है। ठीक है, बट एग्जाम है 50 मार्क्स का, मार्क्स कितना आया है 30, यहाँ पे दिया है 60। दैट मीन्स जो भी मार्क्स आएंगे उनको 100 में वो कैलकुलेट करते हैं कि 50 मार्क्स का एग्जाम है, 50 मार्क्स का एग्जाम दीजिएगा तो उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई मार्क्स कोई पेपर 25 मार्क्स का है तो उसका 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे जैसे देखिए, ये देखिए MT5 का मार्क्स, MT5 का जो पेपर है वो 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें 9 आया है, यहाँ पे कितना है MT5 36, 9 × 4 = 36। ठीक है, तो इस तरह से टर्म एंड थ्योरी को कैलकुलेट किया जाता है। जितने भी 50 मार्क्स के रहेंगे उनको डबल कर दिया जाएगा, जो 100 मार्क्स के होंगे उसमें सेम टू सेम 100 मार्क्स का ही मार्क्स दिया जाता है। जैसे ये देखिए FST 100 मार्क्स का होता है, तो इसमें 63 टर्म एंड में आएगा थ्योरी में, तो इसमें आपको 63 ही दिया जाएगा। ठीक है, जो 50 मार्क्स के होंगे उसको डबल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 36 मार्क्स का होता है पास करने के लिए होता है और यहाँ पे 35 मार्क्स असाइनमेंट में मार्क्स होता है। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करते हैं परसेंटेज। सपोज किसी एक का हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज MT11। ठीक है, इसका देखिए, इसका 90 मार्क्स आया है असाइनमेंट में, डेट मीन्स 90 मार्क्स आया है तो उसका हम परसेंटेज निकालेंगे, तो 90। ठीक है, इसका 30% सिर्फ काउंट होगा। ठीक है, तो इसका अगर हम निकालेंगे परसेंटेज तो कितना होगा 27। ठीक है, तो 90 का 30% हुआ 27, इजीएस्ट वे में। और उसके बाद फिर उसका टर्म एंड थ्योरी जो हुआ वह 36 मार्क्स, तो 36 मार्क्स का 70% हम निकालेंगे। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मैंने कैलकुलेट कर लिया, 36 का 70% होता है 25.2। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितना हुआ उसका, टोटल मार्क्स उसका 90 प्लस 36 नहीं होगा, होगा इसका 30% यानी कि 27 प्लस इसका 70% मतलब 25.2। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 52.2। ठीक है, तो देखिए 52.2 उसका मार्क्स हो जाएगा। तो इसी तरह ये है परसेंटेज कैलकुलेट करने का, ये यहाँ पे मार्क्स हो गया आपका, इसका मार्क्स हो गया कितना 52, इसमें आया आपका 27, इसमें आया आपका 25.2। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जैसे इसका अगर हम निकाले तो 52.2 हुआ, उसी तरह आप सेम टू सेम वे में, ठीक है, इसका 30% प्लस इसका 70% उसी तरह कैलकुलेट करके, ठीक है, और जितना पेपर है आपका उससे एवरेज निकाल दीजिए, इसमें इसका मार्क्स निकाल दिए, फिर इसका। मैंने एक का एग्जांपल दे दिया, अब बाकी सबका निकालिए, जितने कंप्लीटेड हो गए उन्हीं का निकालिए। ठीक है, यहाँ पे टोटल मार्क्स दीजिए, उनका एवरेज निकाल दीजिए। तो इस तरीका से इग्नू का ग्रेड कार्ड का परसेंटेज निकाला जाता है।
उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि इग्नू में ग्रेड कार्ड में जो भी मार्क्स दिए रहते हैं उनका मीनिंग क्या होता है और वो कैसे कैलकुलेट किए होते हैं और कैसे मार्क्स लिखे होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हैव एन ऑसम डे, बाय बाय।